पसंद की शादी बन गई वबाले जान। बहू ने घर में कयामत ढा दी। कमरे में बोलना शुरू हो गई है, कमरे को इसके ने बंद कर लिया। इसके पास एक कटर था, उसके साथ कपड़ों को मेरे भाई आमर के और भाई सरफराज के कपड़ों को इसने सारे कपड़े खराब कर दिए, उसको काट दिया। क्या भाभी ने घर से बाहर जाने की पाबंदी पर देवर को करवाया कत्ल? तलाक दी उसके मियां सरफराज, अपने देवर के पीछे क्यों पड़ गई? कहती थी तू मेरा ध्यान रखता था जब मैं बाहर जाती थी, तू अपने भाई को बताता था। कहती थी इनकी हर चीज तबाह कर दूंगी, आमर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू देखी तेरा मैं हाल क्या करवाती। भरे बाजार में दिन दिहाड़े नौजवान पर छुरियों के वार। शोर की आवाज आई है, आए असि जो बाहर निकले ना, इत आमर थले डिग पे, लब्बू ने दूजी छुरी ना सजी साइड ते मारी, फिर सानू देख के छुरी लहराता भाग गया। क्या माँ की आंखों के सामने जवान बेटे को किया गया कत्ल? एक छुरी कड़ी पिछो मारी सो ओ नहीं मैं देखी, कदो अगो छुरी मारी सो तो मैं अखी देखिया छुरी हाथे फड़ी खून ना लिबड़ी पी नस गया। मैंने फिर मेरी बेटिया की माँ हौसला कर, मैं अंबर को नहीं है, अंबर को नहीं है, अंबर को नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। शेराकोट का इलाका है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया जहां एक हमसाए ने दूसरे हमसाए को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। अब जो छुरियों के वार थे वो सिर्फ दो थे, लेकिन वो इस कदर गहरे वार थे कि जो मकतूल है उसका खून ना रुक सका और ज़्यादा खून बहने की वजह से वो कत्ल हो गया। मैं इस वक्त उस गली में मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे वो जगह है जहाँ पर ये सारा वकुआ पेश आता है, और मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ मकतूल आमिर के। मकतूल आमिर अपने घर के घर से निकलता है जब बिल्कुल जिसका भी मैंने जिक्र किया वहाँ पर उस जगह पर पहुँचता है, तो जो मुलज़िम है वहाँ पे पहले से घात लगाए खड़ा होता है और उस पे बग़ैर किसी वजह के वो छुरियों के वार करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो इस घर में लोग मौजूद होते हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे, गेस्ट हैं, वो जब भागते हैं उसकी तरफ लपकते हैं, तो उतनी देर में मुलजिम अपनी वारदात करके यहाँ से फरार हो जाता है। यही वो बाजार है जहाँ खेली गई थी मौत की होली। जिस तरह अभी मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं, खवातीन और बच्चों का भी रश है। उस रोज भी यहाँ ऐसी ही चहल पहल थी जब दिन दिहाड़े आमिर पर किया गया था कातलाना हमला। क्या भरे बाजार में किसी ने आमिर को नहीं बचाया? क्या माँ के सामने बेटे पर किए गए छुरियों के वार? क्या भाभी ने देवर को कत्ल करवाने की साजिश रचाई? क्या भाभी को तलाक दिलवाने में देवर का था कोई किरदार? क्या घर की बहू के थे किसी के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? क्या मुलजिमान की थी मकतूल से दुश्मनी? कत्ल की भयानक वारदात के पीछे छुपी है कौन सी चौंका देने वाली दास्तान? मुजरिम कौन? उसके बाद ये वाकया किस तरह से पेश आता है और क्या उसे कोई तिब्बी इमदाद दी गई, अस्पताल शिफ्ट किया गया, पुलिस को कॉल कब की जाती है, क्या रेस्क्यू को किसी ने कॉल की, ये खून कितनी देर बहता रहा, क्या वक्त पर तिब्बी इमदाद ना देने की वजह से कत्ल हुआ और कत्ल की वजह क्या है, वो हम जब उसकी वालदा से बात करेंगे तो आपको पता चलेगी। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। ये भाई उनके रिश्तेदार हैं, ये मौका पर मौजूद थे, ये इस कत्ल के गवाह भी हैं। क्या नाम है आपका? शराफत भाई। शराफत, आप यहाँ पे वैसे ही आए हुए थे, यहाँ पे रहते हैं? इधर मेरी भैन ना बड़ी, वो मेरी पुफी भी पहले कहा, मेरी पुफी था, मेरी फिर भैन इतना ब्याई है। ठीक है, बड़े इश्तहार आमिर की भाभी, भाभी वो आपकी हमशीरा हैं? हमशीरा, आप उनसे मिलने आए हुए? हाँ जी, अब अक्सर ही आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, उस दिन क्या हुआ, आपको किसी ने इत्तला दी कि उसकी लड़ाई हुई है, उस पे किसी ने हमला किया? कुछ भी नहीं किया, असि अक्सर आते हैं इधर मिलने, उस दिन भी आए हैं, तो मैं तो मेरा भाई नाल है। ठीक है, इफ्तिखार असी आए हैं, तो असी अंदर बैठे हैं, तो मेरी पुफी ने आख्या पुत्र परौने आए ने जा कुछ शह लाया है बाहरों, आमिर को बाहर भेजा। आमिर को, आमिर बाहर आया है, तो इधर ना सब्जी लैन जा सो मसला मसाल लैन बाहर निकला, असी अंदर बह गए, पंजा मिनट बाद ना बाहर शोर की आवाज़ आई है, मैं पुफी मेरी ना पहले बाहर आई, तो असी पीछे भजे आए हैं, आए असी जो बाहर निकले ना, इतने आमिर थले डिग पे, लब्बू ने दूजी छुरी ना सजी साइड ते मारी है। आपके बाहर आने से पहले एक छुरी का वार वो कर चुका था, वो वार जो पीछे से हुआ है, पीछे, पीछे और दूसरा वार जो उसने आगे किया है, जो उसके ये इधर नाजुक हिस्से पे लगा है, वो आपकी आंखों के सामने हुआ है? हमारी आंखों के सामने हुआ है। ठीक है, फिर सानू देख के छुरी लहराता
ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਇਆ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰਸ਼ਕ ਆਇਆ ਰਸ਼ਕ ਇਹਦੇ ਲਗਾਏ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਗ ਲੈ ਗਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ वरासा के मुताबिक इसी बाजार में सबके सामने कातिल ने आमिर पर किए थे कारी वार। खून में लतपत आमिर अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। सवाल ये है कि कातिल कौन था, आमिर की किसके साथ थी दुश्मनी। ज्यादा वक्त लगा ले जाने में या खून ज्यादा था और वो जख्म बड़ा गहरा था? जख्म बहुत ज्यादा गहरा था, डॉक्टर बोलते है 8 इंची लम्बा गहराई था, इंच गहरा जख्म था। इसका मतलब है कि बड़ी छुरी इस्तेमाल की गई है। हाँ जी, वो डॉक्टर से नर्स ने बोला उन्होंने नर्स दी नारा कटियां गई हैं, दिल दी नार कटी गई है, उससे ज्यादा खून सारा कतरा नहीं रह गया था खून का अंदर। ठीक है, जख्म बड़ा गहरा था। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इफ्तखार। इफ्तखार, इफ्तखार आप भाई हैं इनके? हाँ, मेरा भाई है। ठीक है, तो जब आप लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये सारा क्या मामला है, आप तो अपनी बहन से मिलने आए हुए थे, तो जब बाहर आए लोगों ने बताया जी कि लब्बू तेली ने मार दिया है, उसके बाद लब्बू जो है वो इसके डेरे पे रहता है, मिठू के डेरे पे, तो उस वक्त तो चले खैर ये अफरा तफरी मच गई। तो ये कौन है मिठू, इसे आपने नामजद भी किया हुआ है इस मुकदमे में, ये कौन है मिठू? ये मिठू जो है, ये जो है ना तेली जो है लब्बा तेली, ये मिठू के डेरे पे रहता है। और मिठू की इसके मगर शर है इसको मारने के लिए, उसके कहने पे इसने मारा, वो केला नहीं था मार सकता उसको। आप ये कह रहे हैं कि मिठू के कहने पे लब्बे तेली ने कत्ल किया, उसमें आप इनकी जो मक्तूल आमिर की साबका भाभी हैं, क्योंकि उसे तलाक का मामला चल रहा था, उसे तलाक दी हुई थी, वो शामिल है? शामिल। ठीक है, तो उस वक्त ये मौके पे मौजूद नहीं था, उसके बाद आप इसके डेरे पे गए हैं? ये मौके पे मौजूद नहीं था और हमें नहीं पता कि ये डेरे पे था। इसके डेरे पे वो रहता है, वो रहता है, वो इतना काम कर ही नहीं सकता, इन्होंने उसको कुछ शर्त दी है। हाँ। उसकी वजह से इन्होंने ये काम किया है मिठू तेली ने। ठीक है, उस दिन जब ये सारा वकवा हो जाता है तो आप फिर जब पता चलता है कि मिठू ने करवाया तो मिठू के डेरे पे गए आप लोग, या जब पुलिस आई पुलिस को बताया पुलिस गई? पुलिस भी नहीं गई, कोई भी नहीं गया, मिठू तेली वो मिठू तेली पकड़ा गया। अच्छा, वो जो लब्बा तेली और जो लब्बा है डेरे वाला वो वैसे ही इधर ही लब्बा जिसने ये वकुआ किया, जिसने छुरियों के वार किए, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मिठू उसका भाई, इन दोनों ने अबूरी जमानत करवाई, पूरी जमानत कराई हुई है, पुलिस इन्हों के साथ मिली हुई है। और जो तीसरी मुलजिमा है इसमें जो मशवरे में है, आयशा नाम है उसका, जिसका आपका भाभी आमिर की, वो कहाँ पे अभी? उसका कोई पता नहीं, कोई जमानत नहीं करवाई उसका, कोई पता, वो भी सामने नहीं आई, सामने नहीं, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी नहीं किया, नहीं किया। कुछ कर रही है पुलिस के? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, इन्हों के साथ मिली हुई है पुलिस। वरासा के मुताबिक साबिका भाभी ने अपने देवर को करवाया है कत्ल, क्या है माजरा, क्या पुलिस मुलजिमान के साथ मिली है या फिर वरासा लगा रहे हैं बेबुनियाद इल्जामात। मकतूल आमिर की वालिदा और उनकी बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस वक्त घर पे थीं, क्योंकि ये वकूआ इनके घर से बिल्कुल बाहर ही पेश आता है, चंद कदम का फासला है। एक तो हम वकूए के हवाले से इनसे बात करेंगे, और जो इनकी वालदा की जो बहू है जिसका नाम आयशा है, उसका तलाक का मामला चल रहा था, और ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि शायद इस कत्ल की वजह भी वो है, उसी ने कत्ल करवाया है, ये सारा मामला है क्या, इनसे बात करते हैं। माजी अल्लाह आपको सबर दे, सबसे छोटा है आपका? हाँ जी, सब चौं भरावां तो छोटा है, छोटी इस तो भैन है एक, ये चौं भरावां तो तिन्ना तो छोटा सी, चौथे लंबर सी। ठीक है। हाँ। आपके सारे बेटे बेटियां शादीशुदा हैं? इसकी भी शादी? हाँ, हो चुकी है। इनदी शादी करनी सी हाले। अच्छा, शादी करनी थी। हां, घर दी फिर दी सा। ये उसने पसंद की शादी की थी? हां, पसंद दी की थी। बाहर अंदर फिर लग, माँ जी शादी करके तो घर ले आता है। हाँ, आप लोग इस रिश्ते पे राजी नहीं थे? नहीं, मैं राजी हो गई, घर आ गई बाद च, मेरा पहले नहीं सी, बाद च राजी हो गई, फिर मैं कोई गल नहीं कीती हैगी, फिर अपना सही सा, बस ओंदे चलन चाल केड़े पिछले सन ओ या ना
से ठीक नहीं सी है, चाल चलन ठीक नहीं थी, नहीं ठीक नहीं सी, तीन तीन दिन दो दो दिन इसी वजह से आप इनकार कर रही थी कि शादी नहीं करनी। हाँ, जब शादी हो गई, हाँ, घर आ गई, कार आ गई, क्या पांच महीने रहने, छह महीने आपके साथ मामला ठीक चलते रहे, आपके बेटे के साथ उसके मामला ठीक? हाँ, बस ठीक, कोई भी नहीं सी, बाहर आई तो गई, रौला ही रहा है बस। कहाँ आती जाती थी? हाँ, बाहर ही बस, सारी दिहाड़ी चली गई, शाम नू आ गई, बाहर गई सेल नू गई चौं पंजां घंटे बाद आ गई, किदन तलाक दी तिना दिन बाद आई है, फिर बच्चे ने आख्या मेरे हुण तो रखण वाली नहीं है, तेन मैं समझाना इन आदतों की वजह से। हाँ, इन आदतों चली जाती थी। चली जाती सी, टेक दी बेटे ने तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक देने के बाद वो चली गई, चली गई। हाँ जी, चली गई यहां से या उसके बाद फिर इधर रही? फिर चली गई सारी दिहाड़ी, फिर सारी दिहाड़ी गई है, ते फिर टुर के ते फिर आ गई, फिर आ गई शाम नू, फिर आन के बस अगा लान लग पई है, तमाशे लान लग पई है। आग किसे लगाई, खुद को? हाँ, नहीं, अपने कन्नी नू इंज अग लाई थी, कन्नी नू अग लाई थी, तस्वीर ला के थले सट दिती ने, मुंडे का थरमाल एक पिया से उन्होंने सट दिता, थले अग लाई थी, तो ड्रामे किमें कर दी, वह फड़ के बुझाई, मैं पैप कड़े ने ला के मैं उत्तों सिपियां लुआई दी, मैं क्या मैं रात में अंदर अग ला दे। आप जरा माइक दें अपनी बेटी को, आप बताएंगे क्या वकूआ है जब इसने आग लगाई थी, ये कितने दिन पहले की बात है? भाई, ये 7 तारीख को मेरे भाई ने इसको तलाक दी थी, तो ये बोलना शुरू हो गई है, उसने 3 दफ़ा इसको तलाक बोला, इसके हाथ में कागज़ दिए हैं, इतना शोर शराबा किया, लड़ाई शुरू कर दी है, हम साइड पे हो गई हैं, मेरी भाभी और मैं, मेरी अम्मी थी, तो मैंने ना 15 पे कार चला दी है, मैंने कहा कि ये हमारा, कह रही मैं यहाँ किसी को, किसी का फना कर दूँगी, मेरा घर नहीं रहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी, किसी को नहीं मैं यहाँ पर बसने दूँगी, तो हमने ना 15 पे कार चला दी है, खुद उठी है जल्दी से, कहती है आपने क्या पुलिस मंगवानी है, मैं खुद पुलिस लेके आती हूँ, पुलिस वालों को लेके आ गई है, पुलिस वाला भी इसके साथ एक मिला हुआ, पुलिस को ये खुद लेकर आई। मकतूल आमिर की वालदा के मुताबिक उसकी बहू का चाल चलन दुरुस्त नहीं था, क्या बहू के थे किसी के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? तो आप ये बता रही है कि 15 पे आप लोगों ने बेशक कॉल की, लेकिन पुलिस को वो खुद लेकर आई थी, जब पुलिस आई तो क्या बातचीत हुई? जब पुलिस आई तो उन्होंने पूछा, तो कहती है मुझे इनकी वालदा ने तलाक दिलवाई है, मुझे इसके भाई ने तलाक दिलवाई है, पुलिस वाले ने कहा कि बीबी जब तेरा शोहर ना देने वाला होता तो ये कौन होते थे तलाक दे दिलवाने वाले, तो फिर पुलिस वालों ने उसे कहा, हमने कहा कि आप इसको ले जाएं, पर जब मेरे भाई ने तलाक दे दिया, मेरा भाई चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, गाली गलौज कर रही है, तो आप इसको हमारे घर से ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा इसने कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं उन्होंने कहा बीबी घरेलू मामला था, पुलिस चली गई होगी, पुलिस चली गई, कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं बीबी, ये नहीं जा रही, उनके साथ भी आगे से बोल रही थी, ये पहले इन्होंने मेरे साथ, मुझे मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, पुलिस के जाने के बाद दोबारा उसने ड्रामा किया, फिर इसने ड्रामा किया, इसने फिर गाली गलौज की, पुलिस के जाने के बाद इसने फिर गाली गलौज की, ये चली गई है, फिर रात को फिर ये आई है, तो ये रात का टाइम है, तो इसने कमरे में बोलना शुरू हो गई है, कमरे को इसने बंद कर लिया, इसके पास एक कटर था, उसके साथ कपड़ों को, मेरे भाई आमर के और भाई सरफराज के कपड़ों को इसने सारे कपड़े ख़राब कर दिए, उसको काट दिया, कटर से कटर के साथ कपड़ों को, बैठी तौर पर ठीक थी जी, ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, कहती थी इनकी हर चीज़ तबाह कर दूंगी, इन्होंने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया, इनको किसी आमर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं तलाक दी उसके मियाँ सरफराज ने आमिर के पीछे, अपने देवर के पीछे क्यों पड़ गई? कहती थी तू मेरा ध्यान रखता था जब मैं बाहर जाती थी, तू अपने भाई को बताता था, कहता था कि सरफराज काम पे होता था, आमिर घर पे होता था, आमिर घर पे भाई को बताता था, तू अपने सारी बातें से बाहर चली गई, सारी बातें आप बताते, तेरी माँ तो है, तेरी वालदा और आप खुद बताते थे, इस वजह से उसने मुझे तलाक दी है। वरासा के मुताबिक भाभी को अपने देवर पर गुस्सा था, क्या पसंद की शादी करने वाली खातून को देवर की वजह से हुई थी तलाक, क्या घर से बाहर जाने की पाबंदी खातून को कर गई गजबनाक? उसने कहा बाजी मैंने क्या आपको कहना है, जब जाती थी वो भाई ख्याल करता था, ये इनके एक दो दफा उन्होंने ना ये मिठू के डेरे पे भी देखा है निकलते हुए इसको बाहर, तो उसने फिर भाई को बताया ये यहाँ डेरे पे गई से पूछो भाभी क्यों, यानी आयशा जो भाभी है आपकी साहब का, ये मिठू के डेरे पे जाती थी, मिठू के डेरे पे मिठू से मिलती थी, पता नहीं मिठू से मिलती थी या उसके नौकर लब्बू से मिलती थी, भाई ने पूछा तो कहती है मैं उसके नौकर से नंबर लेने गई थी, मिठू मान गई जब गए है ना तो उनके डेरे पे, तो भाई ने पूछा तो मान गई है, कहती हाँ मैं गई थी, भाई ने कहा कि जब मैंने तुझे मना किया घर से बाहर नहीं निकलना तो क्यों निकलती है घर से भाई, इसी बिना पे इनका झगड़ा हो गया, भाई ने इनको तलाक दे दिया, भाई गया उसने इस बुनियाद पे जब ये पता चल गया कि मिठू के डेरे पे गई है, तो भाई का बेशक आपके भाई सरफराज का या मकतूल भाई आमिर का मिठू से भी झगड़ा हुआ था इस बात पे,
ये हमें नहीं पता, कहते हैं कि भाई बोले हैं भाई ना, इनका इनकी हुई है यानी इसी वजह से लड़ाई हुई ना जी, तनाजा तो फिर यही हुआ इनकी मुंह मारी। और तो इसके अलावा तो कोई और मसला नहीं था आपस नहीं? फिर हमने रात को फिर कॉल की है, फिर हमने रात को पुलिस 15 पे कॉल की है, ये इसके पास कटर है, ये हमें नुकसान पूछा, हमने भाइयों को साइड पे कर दिया कि ये कोई कहती मैं पर्चा करवाऊंगी, आपकी माँ और पुलिस से डरते हो कि ये थाने में माँ नहीं जाती, अब मैं आपको थानों में रुलाऊंगी, आप रुलोगे थानों में? मैंने कहा, अम्मी ने कहा हम नहीं थानों में जाती, कहती आप देखना थाने कैसे थानों में रुटती तेरी बेटी, तू अमर को कहती देख तेरी माँ को कैसे रुलाती, अम्मी ने हाथ जोड़े कि तू हमें माफ़ कर दे, मेरे बेटे ने तलाक दे दी है, तेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, तू चली जा यहाँ से, कहती ऐसे नहीं जाऊँगी अमर, तुझे इस घर में तू नहीं माँ को नजर आएगा, अगर इस घर में मैं नहीं रहूँगी तो अमर तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमर के कत्ल से एक दो दिन पहले की बात, दो दिन पहले की बात है, 9 तारीख तलाक दे दी उसे जी, तो फिर यहाँ से गई क्यों नहीं या यहाँ से चली गई? पुलिस वालों को हमने कहा इसको ले जाए, इसको दारू रुमाल में दे दे, कोई लेडीज प्लीज बुला ले, हमने फैमिली नहीं है जी, उसकी अपनी फैमिली उसके घर वाले, कहती थी मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया हुआ, मुझे नहीं मिलती, उन्होंने मुझे निकाल दिया हुआ था शादी से पहले, कहती मेरे उन्होंने मुझे शादी से 5-6 महीना पहले आग कर दिया था, अपने बाप भाइयों को भी नहीं कहना मानती होगी, उनकी इसी तरह फिरती होगी, तो हमने कहा कि आप प्लीज इसको ले जाए, हमने पुलिस वालों को इतनी मिन्नतें की कि इसको ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा बीबी हम क्या कर सकते हैं, अब नहीं उनको कहा अब नहीं तंग करना। वरासा के मुताबिक खातून के थे मुबैना तौर पर मुलजिमान के साथ शर्मनाक ताल्लुकात, शौहर ने इन मुबैना ताल्लुकात की बुनियाद पर बीवी को दी थी तलाक, क्या साबिका भाभी ने देवर को कत्ल करवाने के लिए रचाई कोई साजिश? जिस दिन ये बकुआ हुआ है आमिर को कत्ल किया गया जी, उस दिन आयशा कहाँ पे थी? उस दिन आयशा सुबह तकरीबन फजर के वक्त घर से निकल गई थी, फजर के वक्त घर से चली गई, घर से चली गई, पहले भी इस वक्त चली जाती थी, चली जाती थी, उस दिन फजर के वक्त गई, फजर के वक्त गई, फजर क्या बता कर गई, कहाँ गई? कुछ भी नहीं बताया, छुप करके दरवाजा बंद कर दिया, लाइट जली रहने दी, हमने कहा शायद अंदर है, मैं सफाई कर जब उठी हूँ काम वगैरह कर रही हूँ तो सफाई कर रही, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, तो मैंने अपनी भाभी को कहा, मैंने कहा ये इशरत ये तो अंदर कोई नहीं है, कहती बाजी ये सुबह की फिर निकल गई हुई है, मैंने तो कहा हमने तो सोचा अंदर है, लेकिन उस दिन नहीं आई जिस दिन मेरे भाई को ये कत्ल हुआ है, उस दिन ये नहीं आई। उसके बाद ये आपका भाई कत्ल होता है दोपहर में 12-1 बजे, ये एक सवा एक बजे कत्ल होता है, तो सुबह घर से जाती है और 1-1 के दरमियान किसी ने उसे इस इलाके में नहीं देखा ना, देखा है किसी हवेली में तो नहीं गई, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े हमने देखा है इसके पास ना, एक दो यहाँ खड़े लोग देखा है, उन लोगों ने देखा है पहले के बाद, चौक में फिरती रही है कत्ल से पहले के बाद, कत्ल से पहले, कत्ल के बाद भी वहाँ खड़ी रही है बातें करती रही है, हम तो भाई को लेके हॉस्पिटल। क्या बता रही है पुलिस की, ये जिस दिन बकुआ हुआ है घर से गई है, मिठू के पास तो नहीं गई या फोन पे उससे रابطہ तो नहीं था उसका? ये नहीं फोन पे पता नहीं रابطہ था कि आप नहीं, ये नहीं। समझते हैं कि मिठू के मिठू ने इसके कहने पे कत्ल करवाया आमिर को, आमिर जो कि अपनी भाभी को मना भी करता मना था भी करता अपने था। भाई को बताता था कि ये घर से निकली हैं फलान जगह गई है, चौक में गैप हो जाती है, नहीं बताया था कि मिठू के डेरे पे जाती है, असल टारगेट उसका आमिर था जी, उसका अपना अमर को नहीं छोड़ना, अमर तुझे नहीं छुड़वाऊंगी, तू देखी तेरा मैं हाल क्या करवाती हूँ। एक दिन पहले भी इसकी लड़ाई होती है इन लोगों से जी, ये इस मुलजम से रात लब्बू तेली से एक दिन पहले भी आमिर की लड़ाई होती है, रात को मेरा भाई अमर खाना लेने गया है यहाँ से नान कबाब, कहता है मुझे भूख लगी है, अम्मी ने कहा मैं खाना बना देती हूँ, कहते नहीं माँ जी अब लेटे रहे मैं ले आता हूँ, यहाँ पे बाहर निकल गया तो इनका मुँह मारी हुई है उसके साथ, किस बात पे, किस वजह से? कहता है तू मेरी तरफ देखता क्यों है, इसने गाली, अमर ने कहा मैंने तेरी तरफ क्या यार देखना है, तू कौन है, तू बदमाश है, अमर कहता है नहीं मैं नहीं बदमाश हूँ, मैं क्यों बदमाश हूँ, मैंने तुझे क्या कहना, इसने गाली दे दी है, थप्पड़ मारा है भाई, यानी एक तरफ ये मामला भी चल रहा था, आयशा वाला भी चल रहा था, डेरे पे जाती है, तो भाई कहता है वजह तो दिल में बात तो यही होगी, कहता है क्या देख रहा है तू बदमाश है यहाँ का, अमर कहता है मैं नहीं बदमाश, मैं क्यों बदमाश हूँ यार, मेरा क्या मसला है तुझे मेरे साथ, इसने गाली शुरू कर दी है, इनकी मुँह मारी हुई है, अमर दौड़ा है घर आया है तो आके कहता है मेरी मिठू मेरे हाथ था भाई, उसने की है, उसने लब्बू तेली ने, तो अम्मी ने कहा बेटा छोड़ दो दफा करो, हमने नहीं कुछ करना, अम्मी मेरी गई है इन मिठू वगैरह के पास, इमरान वगैरह के पास, किस अच्छा, ये खुद गए थे जी, अम्मी मेरे गए हैं। आप जब एक रात पहले ये लड़ाई झगड़ा होता है तो आप उसके डेरे पे जाती हैं, मिठू के डेरे पे क्या बात हुई? नहीं डेरे तो चौंक हुए गई हैं, बाहर खले ने दोवे भरा, मैं क्या पुत्र है इनू आ थोड़ा बहुत बोल पैने तो इन अपने नौकर बंदे समझाना, मतलब दिन फिर झगड़ा हो जाए, इन्हें अह कदों होवेगा वहाँ वेखी जाए दी इंदियाँ आकड़ कड़ियाँ वहाँ टुट जाए दी, इन्हें गाल क्यों कड़ी, मैं आख्या पुत्र गाल को नहीं, उन्हें आख्या उन्होंने वेखे, उन्हें आख मेरे लो वेखे, उन्हें आख्या मेरे लो वेखे, ए गल ना लड़ाई अगो हुई है ना कुछ, तो पुत्र इनू मोड़ना तो मैं भी मोड़ा दी पुत्र कोई गल ना हो,
गल मैं घर आ गई इन्नी गल करके ना मेरी गल गौर नहीं की। सुबह मैं उठी हाँ इतों मिठू लंघिया चौंक चो उनकी दुकाना ने इधर इधर गया मैं बाहर खली हाँ। मैं क्या मिठू पुत्र मेरी गल सुन, मैं क्या ऐ वा समझा पुत्र थोड़ी बहती गल है तो मता बहुत ही वज है तो यह गया चल आ गए। इन्हें मेरी गल नहीं सुनी हैगी, पहले दोवें भरा खले ने चौंक चो। सुबह मैं कदों गई हाँ बहर उदो इकला लंघिया इतों मिठू, मैं क्या इन्हें मेरी गल नहीं गौर की। डेढ़ का टाइम होया है तो बार कतल हो गया मेरा बेटा। माँ के मुताबिक आमिर की मुलजिमान से मामूली सी तकरार हुई थी। ऐसी कौन सी वजह थी कि मुलजिमान मक्तूल आमिर की वालदा की मिन्नत समाजत को भी नजरअंदाज करते रहे? क्यों मामूली से झगड़े का वाकया कत्लो गारत तक जा पहुंचा? गौर से सुनिए बूढ़ी माँ ने कैसे अपने जवान बेटे पर कातलाना हमला होते देखा। जब ये बकवा होता है माँ जी तो सबसे पहले आपको पता चलता है आपके घर में जो आपके रिश्तेदार आए हुए हैं। हाँ जी, मेरा वगैरह आप उन्हें भेजते हैं तो आप खुद भी मौके पे जाती हैं? हाँ जी, मैं खुद उत्ते गई। आप खुद भी गवाहों में शामिल है, आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को? हाँ, मेरे सामने छुरी कड़ी मार ली सो इतो पिछो फड़िया सो उदो मैं नहीं देखा। वो शोर बार पिया, शोर आवाज सुन के मैं गई हाँ अबू बच्चे गई हाँ, मगर मेरे मैं भज उठी हाँ शोर सुन के आवाज बाहर गई हाँ। मेरे पनेवा भी पतरिया भी मगर भज उठिया, मेरी बेटी भी मेरे मगर भज उठी है तो गई हाँ। तो एक छुरी कड़ी पिछों मारी सू वह नहीं मैं देखी, कि पिछों मोटे तक फड़िया मैं नहीं देखा। कदों अगों छुरी मारी सू एक दूजे ना जो पैने कदों ए छुरी मारी सू मैं अखी देखा तो नस गया अगे न छुरी हाथ फड़ी खून ना लिबड़ी पी नस गया। ए मेरे मगर असी अपने मैं अपने बेटे वाल हो गई हाँ, भी बेटे वाल हो गए ना असी असी लैके अस्पताल। होश में था ना? कोई होश नहीं, होश नहीं सी हैगी। खून वगदा जाता सी, सारा खून नाल डिबड़िया पिया सी, भरिया पिया सी। मैं वेख के तो मैं घबरा गई हाँ। मैंने फिर मेरी बेटिया की माँ हौसला कर, मैं क्या अंबर कोई नहीं हैगा, अंबर कोई नहीं हैगा, अंबर कोई नहीं। इन्हें मैंने पेन फड़िया, वह फड़ के दवा का थरिशके तो पाया। अगों गड्डी आ गई है, मुंडे ने गोश्ता ने फोन कर दिता है एम्बुलेंस आ गई है। उन्हें बच्चे पाया दो मिनट का टुरी ना मूँह न टूटी लाई गई नाक चलाई है उन्हें इतने हथ रहे उन्हें मां जी दत्त हो गई है। मैं उत्थे पिटन लग पी, मैं मैंने पता से मेरा पुत्र कोई नहीं हैगा। वह मुंशी अस्पताल लै गए ने उन्हें खमां जी ने दिल की नाड़ पहले कट्टी गई, कहीं पिछों छुरी बजी उत्थे खत्म हो गया है बड़ा बेटा वा दिल दियाँ नाड़ कट्टिया गई ने। छुरी नवी चिट्टी जी आने छुरी सी लाल जी पुआंदा जाता है नस गया अगे इन्हों का गहरा जख्म था। फिर मैं उत्थे वेखी मेरे भतरीए ने मेरे पनेवे ने वेखी आंदे मखाला पुफी इत्थे एडा सारा फट होया जी बार दिती सू छुरी लवो लवान पिजा पिया। मैं डिग पई हाँ उत्थे आप ही मेरी बेटी ने पिछों फड़िया, वह किड़े ने उन्हें मेरे भतरीआ तो पनेवे उन्हें फड़ के तो असी अस्पताल लै गए अगों गड्डी च पा लिया। उत्थे गए फिर उत्थे अपना किड़ियाँ अकाल फिर चलाई ने फिर पुलिस इतने बड़ी आँदे ने आ गए। असं तो गए चले हाँ फिर मगरों आँदे ने बड़ी पुलिस आई है। फिर थाने भी उत्थे अस्पताल भी बहुत पुलिस गई है, पहले वो बतेरी गई है मगरों हूँ कदों मिल मिला गए ने। हूँ साड़ी कोई बात नहीं, मेरी गरीबनी दी रंडी दी कोई नहीं सुन। इस बूढ़ी माँ पर क्या गुजरी होगी जिसके सामने उसके जवान बेटे पर किए गए थे छुरियों के वार। भरे बाजार में हर तरफ लोग ही लोग थे। मक्तूल आमिर चिल्लाया होगा, बूढ़ी माँ ने फरियाद की होगी, किसी ने क्यों इस बूढ़ी ममता की फरियाद ना सुनी, क्यों किसी ने आमिर को बचाने की कोशिश तक ना की। आप मुझे बताएं कि ये सारा बकवा हो गया, अब ये पता चला है पुलिस की एक प्रेस रिलीज भी हमें आई के जो मरकजी मुलजिम है उसमें वो पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है, लबा तेली गिरफ़्तार हो चुका है। जो बाकी मुलजमान हैं जिनके डेरे पे वो रहता था, बकौल आपके कि उनके मशवरे पे या उनके शर से ये काम हुआ, ये कत्ल किया गया है, उन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया? नहीं, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं, पूरी जमानत करवाई उन लोगों ने, उन्होंने बेल करवाई। और जो आपके सबका भाभी आयशा है वो गायब है, जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, बकौल आप लोगों के वो बिल्कुल गायब है, वो अभी तक सामने नहीं आई, पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया। नहीं, बाकी दोनों ने जमानत करवा ली और इसे पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। नहीं, कर ही नहीं रही। जब आप लोग जाते हैं कहते हैं उसको छोड़ दें, पुलिस कहती है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, पुलिस कहती है उसे निकाल दें बीच में से, पुलिस कहती है उसका क्या, उसको छोड़ दें, आप इसको पकड़े जिसने कत्ल किया आपके बेटे को, मेरी माँ जी कत्ल की वजह भी तो जाननी है ना, उसको छोड़ दें, वो नहीं है। तो माँ जी ने कहा आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं है, हमने सारी रात तफ्तीश के उसे गिरफ्तार किए बगैर या उसे शामिल तफ्तीश किए बगैर पुलिस खुद से ये कह रही है कि उसे वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। नहीं, एक दफा भी पुलिस ने उसे तफ्तीश में शामिल नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। और आपने उसे नामजद किया हुआ, नाम दर्ज करवाया हुआ है,
और इनको भी वजह क्या है, इनको भी बेगुनाह बना रहे हैं, जिनके मशवरे से ये सारे काम हुए हैं, जिनके डेरे पे वो रहता था। लेकिन जब मेरी वालदा वगैरह जाती हैं तो वो सारे 40-50 बंदे होते हैं, उनको बिठाया होता है मेरी वालदा, पार्टी 40-50 लोग आए होते हैं, 40-50 वकला की टीम भी उनकी अपनी है, वकील भी अपने, वकील भी है, वो उनको बिठाया होता है। और मैं उल्टा उनसे सवाल करने की बजाय मेरी वालदा से सवाल करती है, सवाल जवाब करती है, इनको क्यों रखा है, इनकी क्यों आपकी दुश्मनी थी, आप रिश्तेदार हो, आपस में बैठ के सुलह सफाई कर लो। मेरी अम्मी कहती मेरा बेटा ही इन्होंने कत्ल करवाया, मैं इनको कैसे निकलवाऊँ बाहर। कहते आप रिश्तेदार हो, आपस में बैठ के आपको 3 दिन का टाइम देते हैं, आप घर चले जाओ, आपस में बैठ के आप सुलह सफाई कर लो। यानी कत्ल हुआ है, लेकिन हमारी 302 लगी हुई है और पुलिस कह रही है कि सुलह सफाई कर लो। सुलह सफाई कर बात ये करता है, तफ्तीशी करता है, ये तफ्तीशी बात करता है। तफ्तीशी कौन है पता है आपको उसका? जी भाई को पता है। तफ्तीशी आपसे ये कह रहा है कि इस केस को खत्म कर दें, ये उसको सजा दिलवाएं, इनको निकाल दें। अच्छा, बाकी सबको माफ कर दें, उनको माफ कर दें। और अब लब्बा तेली को हम फांसी के फंदे पे लटकवाएंगे, हम मामा जी आपके साथ हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। मेरी वालदा जाती है, कोई भी नहीं हमारी बात सुन रहा, वो सारे मिले हुए हैं उनके साथ। प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जुलम हुआ है, मेरा भाई सबसे छोटा था। वरासा कैसे ना रोएं, बहन भाई के इंसाफ के लिए तड़प रही है। गौर से सुनिए, बहन किसको ठहरा रही है कसूरवार। जिस दिन मेरे भाई ने तलाक दिया, ये पुलिस वाले को लेके आई है, तो एक पुलिस वाला कहता है तेरे कहने पे मैं आ तो गया हूँ, इसको कहता है तेरे कहने पे मैं आ तो गया हूँ, तो कहती है आप आए नहीं जल्दी, कहता मैं फ़ौरन आ गया हूँ तेरे कहने पे। तो भाई रात को तलाकनामा दर्ज कराने गए हैं थाने में, उसका दोस्त भी एक साथ है, भाई भी साथ है, वो बाहर निकल आए हैं। इस पुलिस वाले ने मेरे भाई को बुलाया है, कहता है आमिर मेरी बात सुनिए। गया, कहता है जी सर क्या बात है, कहता है आमिर मैंने तुझे परसों एक गिफ्ट देना है, तैयार रही। पुलिस वाले ने मेरे भाई को कहा आमिर मैंने तुझे परसों गिफ्ट देना है, तैयार रही। आमिर कहते हैं साहब जी केड़ा गिफ्ट तुसी मैनू देने, कोई गल नहीं है साहब जी मैं तुहाडा गिफ्ट ले लवांगा। अगले ये 7 तरीक का वाक्य है, 9 तरीक को मेरा भाई कत्ल हो जाता है। और वो पुलिस वाला कह रहा है कि इसका आशा को क्यों रखा हुआ है, इसको निकाल दो, इसकी क्या गलती है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। क्या पुलिस आमिर के कत्ल में मुलव्वस है? क्या पुलिस ने आमिर को दिया है मौत का तोहफा? सच्चाई सामने आनी चाहिए। मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, हमें कहते हैं कि माँ जी इसको निकाल दे, उसको फांसी के फंदे पे लटकवाए, उसने आपके बेटे को कत्ल किया है। लेकिन जिनके डेरे पे रहता था, जिनका बंदा था, वो बात हमारी उनको बजाय उनसे सवाल करने के मेरी वालदा से सवाल करती है। किसी के डेरे पे रहना ये तो कोई कसूर नहीं है। आपको लगता है कि जो जिस कहानी आपने बताई, जिसके मुताबिक आपने FIR दर्ज करवाई है, वैसा ही है कि आपके साहब का भाभी वो भी इसमें शामिल है? ये भी तो हो सकता है कि मुलजिम का और मकतूल का, यानी लब्बे का और आपके बेटे का कोई ज़ाती मामला चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, ऐसा तो नहीं? नहीं, और कोई इसके अलावा तनाज़ा नहीं है? नहीं, कोई मरा तनाज़ा नहीं है इसके अलावा। यानी आप भी बस खाना लेने गया है तो ये कई दहाइयों से आप भी रह रहे हैं, वो लोग भी रह रहे हैं, पहले इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पहले कभी हुआ होगा भाई का उनका, लेकिन हमें नहीं पता। आमिर का ही हुआ था या किसी और भाई का हुआ था? जी आमिर का ही लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले या दूसरे भाई का हुआ था? नहीं, आमिर का एक दफा हुआ था, लेकिन सुलह सफाई हो गई थी, काफी देर हो गई उससे, लेकिन हमें तो पता नहीं लोगों से हुआ था। इन्होंने के दिल में खार रखी हुई है, किसकी बिना पे इन्होंने हमारे साथ करवाया, क्या हमारी तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं इन्होंने कौन सी दुश्मनी हमसे ली है। और लोगों को कहते हैं क्या बनाइए, गुचोंग में फिरेंगे, ये मेरे भाई के बराबर के बुजुर्ग। दीजिए माँ जी, जो धमकी आपकी बहू ने आपको दी वो उसने सच साबित कर दी? फिर ये धमकी देकर गई थी ना कि मैं आप लोगों को थाने कचहरी में लेकर जाऊंगी। हाँ जी, तुसी थाने तो डर दंगा जे, मेरी बेटी का भी नाम तेरी दा लिखावा दी, तेरा भी लिखावा, तेरे अंबर का भी, ते तेरे पुत्रा नु विच करावा दी, सारी उम्र अंबर रोवेदा जेल च, ते तू थाने तो बड़ा भजनी है, तुसी पुलिस तो इंज डर दंगा जे कि मैं कुछ पता नहीं की है। मैं क्या इज्जत आली धमकियां देते? हाँ, मैं क्या असी पुलिस तो डरने, असी कभी थाने अज तक नहीं गए गए, तो आंधी तुहानू थाने विखावा दी, तो यह गल की सू निकलती नहीं सी हैगी, तो तुहानू थाने विखावा दी हूँ। फिर एक दिन गायब होगी, उस बाद दिन अगो 1:30 बजे मेरा बेटा कतल हो जाता। माँ जी आपकी बेटी बता रही है पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही? नहीं सुनी बात उन्हें, मैं उन्होंने हाथ जोड़ कर ले, मैं उन्होंने कह, बेटे का खून इतना सस्ता तो नहीं होता, माफ़ तो नहीं करेंगी इन्हें आप? मैं मरा नहीं तो माफ़ होवेगा।
मैं नहीं करना। क्या चाहती हैं आप? मैं साफ चाहिए। मेरे बेटे ने ना कत्ल कराया, मेरा जवान बेटा 3 साल का, मैनू अल्लाह इंसाफ कराए मेरा, मैनू इंसाफ बेटा चाहिए, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बेटे का। मैं आप बनी हाँ केस की मदई, मैं अपने बेटे का इन्हों माफ नहीं करना कतल। इन्हों मकान हूँ खरीदया किनू घर रखा है, वह रहा ही इन्हों घर से, उन्हों का मकान इन्हें मिठू ने तो मरान ने खरीद लिया, 3 साल हो गए ने, इनू घर ही रखा है। तो इन्हों की वजह तो बगैर मेरा बेटा वो कतल नहीं कर सकता है। इन्होंने इन्हों की राय ना मेरा पुत्र कतल होया। मां के मुताबिक पुलिस उनकी फरियाद नहीं सुन रही। वरसा के मुताबिक भाभी ने डेरे के मालिक को साथ मिलाकर आमिर को करवाया है कत्ल। पुलिस तफ्तीश की कड़ियां मिलाएगी तो ही सच्चाई सामने आएगी। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।